लखनऊ में हिंदू नेता कमलेश तिवारी के कत्ल की आज पूरी कहानी सामने आ गई। कमलेश की आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिससे खुलासा हुआ कि कातिल मोइनुद्दीन और अशफाक ने कितनी बेरहमी से कमलेश को मारा। रिपोर्ट के मुताबिक कातिलों ने पहले कमलेश पर 15 बार चाकू से वार किया, इसके बाद चेहरे के बाईं तरफ गोली मारी। डॉक्टर्स ने जांच के बाद पाया कि कमलेश के सीने के बाईं तरफ चाकू से 7 बार हमला किया गया। साथ ही चेहरे पर ठुड्डी से नीचे चाकू से गोदने का घाव था। इसके अलावा गले पर चाकू से गहरा घाव और सीने के दाईं तरफ चाकू के 2 घाव मिले। कमलेश के कंधे पर धारदार हथियार से कट का निशान मिला है।